हेलो फ्रेंड, अभी बारिश के दिनों में मक्के का सीज़न होता है। इन मक्के के सीज़न में हम मक्के की रेसिपी जितनी बना सके और जितना खा सके वो न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो इसलिए आज मैं इस श्रृंखला में तीसरी मक्के की भुट्टे वाली रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी आज हम जो रेसिपी देखेंगे उसमें हम मकई भुट्टे के भेल वाली रेसिपी हम देखने वाले हैं। तो भेल किसे पसंद नहीं है, सभी को, बच्चे से लेके बड़ों तक सभी को भेल पसंद आती है। और उसमें भी मकई के दाने की हो तो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हम इंग्रेडिएंट इसमें देख लेंगे। भेल होने की वजह से यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज के बाउल भर के मुरमुरे लिए हुए हैं। और हमको न्यूट्रिशन वैल्यू का ध्यान में रखना है इसलिए मैंने यहाँ पर केवल एक टेबल स्पून ही ऑयल लिया है। यहाँ पर मैंने जो अन्य इंग्रेडिएंट लिए उसमें मैंने दो पोटैटो बॉईल करके मैश कर लिए हैं। मैंने दो लार्ज साइज के ऑनियन लिए हैं जिन्हें चॉप कर लिया है। यहाँ पर एक मक्के के भुट्टे को मैंने काट कर चाकू की सहायता से उसके दाने निकाल लिए हैं। और ये अमेरिकन कॉर्न मीठा वाला है, आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। एक बॉल मैंने नायलॉन पीली वाली से यूज़ की है। यहाँ पर मैंने एक बॉल फरसान चिवड़ा या मिक्सचर जो भी कहे हम वो ले लिया है। वो किसी भी टेस्ट और स्वाद वाला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने दो टेबल स्पून यहाँ पर टोमेटो सॉस लिया हुआ है। हरी चटनी ली है, खट्टी मिट्टी पुदीना, हरी मिर्च और हरे धनिया वाली। साथ में मैंने इमली की चटनी मीठी वाली, इमली गुड़ की चटनी ये ली हुई है। अन्य इंग्रेडिएंट लगेंगे उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टोमेटो जिसे चॉप कर लिया है, हरा धनिया है एक कटोरी और हरी मिर्ची है जिन्हें चॉप कर लिया। इसके साथ में थोड़ा लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है, स्वादानुसार यूज़ करना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर चाट मसाला दो चम्मच लिया है। ये चाट मसाला अच्छा यूज़ करते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छी आती है। साथ ही मैंने आधा टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और थोड़ा आमचूर पाउडर ले लिया है। आधा चम्मच ही मैंने इस चम्मच से छोटे चम्मच से यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है जो स्वाद बहुत बढ़ाता है और डाइजेशन इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से हमारे ये सभी इन्ग्रीडियंट हो गए हैं। अभी सबसे पहले हमको गैस ऑन करनी है और गैस ऑन करने के बाद में मुझे यहाँ पर पैन रख देना है, कढ़ाई वगैरह या जो चाहे आप। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं यहाँ पर जो एक टेबल स्पून ऑयल लिया है उसे ऐड कर देना है मुझे। इस ऑयल में मैं सबसे पहले हरी मिर्ची, इसका कच्चापन दूर करने के लिए ऐड कर दूंगी। इसे थोड़ा फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर मैं कॉर्न ऐड कर दूंगी। फ्लेम में थोड़ी मीडियम कर दूंगी क्योंकि हमको इसको बहुत ज़्यादा पकाना या ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं करनी है। बस थोड़ा स्टीम करेंगे जिससे कि इसमें जो शुगर की क्वांटिटी है वो थोड़ी बढ़ जाए, मिठास बढ़ जाए इसकी। तो अभी मेरे को इसे ढाक देना है और 2-3 मिनट के लिए सिर्फ इसे स्टीम होने के लिए रखना है। ये हमारे मक्के के दाने स्टीम हो चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, गैस ऑफ कर देना है। और इसी में क्या करना है, ऑफ करने के बाद ही इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है हमको। और आमचूर पाउडर यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करें। ये ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर। इसी में हमको बॉयल पोटैटो ऐड कर देना है। इससे ये जो लाल मिर्च और हमने जो बाकी चीज़ें डाली है उससे इसका जो स्वाद है ये आलू में बहुत अच्छे से उतर जाएगा और लग जाएगा और टेस्ट इम्प्रूव हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। इसी में मैं काला नमक हल्दी पाउडर और चाट मसाला ये ऐड कर दूंगी। इसके साथ में टोमेटो और हरा धनिया।
अब मैं प्याज ऐड कर दिया है मैंने। और यहाँ पर मुझे अब मुरमुरा ऐड कर देना है। नायलॉन से ऐड कर दूंगी और साथ में यहाँ पर फरसान यूज़ करना है मुझे, ये भी डाल दिया है। अभी जो हमारी टोमेटो सॉस वो पूरा ऐड कर देना है। इमली की चटनी ऐड कर देनी है। और हरी वाली थोड़ी तेज है, तो अगर आप चाहे तेज खाना चाहते हैं तो आप वैसी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा मुझे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह हमारी ये कॉर्न भेल बनके तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव और पौष्टिक है। तो आज की जो हेल्थ टिप्स मैं यहाँ पर देने वाली हूँ, तो उसमें मैं बताने वाली हूँ कि जब हम सोते हैं तो सोते समय हमको लेफ़्ट साइड में सोना है। लेफ़्ट साइड में सोने का रीज़न ये होता है कि लेफ़्ट साइड में सोने से जो हमारा लीवर है जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिट करता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम लेफ़्ट साइड में सोने की वजह से अच्छी तरह से सिक्रिट होते हैं और हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो इसलिए हम इस टिप्स को अगर ध्यान रखें तो हमारे डाइजेशन से संबंधित जो भी समस्या है, प्रॉब्लम हो, तो उसे हम काफ़ी कम कर सकते हैं या उससे धीरे धीरे छुटकारा भी पा सकते हैं। तो इस तरह से ये टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप यूज़ में लाएं। अभी हमारी है वक्त है न्यूट्रिशन वैल्यू का। तो मक्के की न्यूट्रिशन वैल्यू मैं आपको मक्के के किस की रेसिपी में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किए हैं, इसमें जिसमें मुरमुरा है, टोमेटो है, प्याज है, और जो भी अलग से हमने यूज़ किया है, कॉर्न है, उन सभी के मिला के मैंने जो न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी निकाली है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो न्यूट्रिशन वैल्यू में सबसे पहले आता है कॉर्न, प्याज और टोमेटो अच्छी क्वांटिटी में होने की वजह से और मुरमुरा होने की वजह से इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई है। इसी के साथ में इसमें स्टार्च और फाइबर भी अधिक मात्रा में है, जिससे डाइजेशन में को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें विटामिन्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने टोमेटो और प्याज यूज़ किया है और कॉर्न यूज़ किया है, तो उसमें विटामिन सी, ए, B12 और B9 अधिक मात्रा में है, और इसलिए यह रेसिपी स्वास्थ्यवर्धक भी काफ़ी हो जाती है। इसमें आयरन और प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, इसकी वजह से जो हमारे मसल्स और बोन के प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं। साथ ही हम ब्लड में RBC की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। मक्के के दाने में Omega-3 एसिड होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। शरीर के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए काफ़ी अच्छा है। मक्के के दानों की एक स्पेशल जो रसायन होता है इसमें, जिसे थायोमिन कहते हैं, इसकी मात्रा अधिक होने की वजह से ये याददाश्त बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है और ब्रेन से संबंधित जो समस्या है उसको भी कम किया जा सकता है। तो इसलिए इस सीज़न में जब आप भुट्टे अधिक मात्रा में बाजार में उपलब्ध है, तो आप भुट्टे की अलग अलग रेसिपी बनाकर ट्राई करें, इसे इसका खाने में यूज़ करें। तो ये आज हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू हो जाती है। तो मेरा वीडियो आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा, उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।